हेलो बच्चों, आज इंटर कन्वर्जन का सीरीज नंबर 2 का वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कन्वर्जन्स आते हैं या व्हाट हैपन व्हेन या इससे इसको कैसे प्राप्त करोगे, या तीन प्रकार के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो सीरीज नंबर 1 में कुछ मैंने एग्जांपल दिए थे, सीरीज नंबर 2 इंटर कन्वर्जन का चल रहा है, जिसमें आप ध्यान दीजिए। तो इसमें पहला एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि कन्वर्ट करिए फिनॉल को पिक्रिक एसिड में। ठीक है, या यह बोल सकता है कि पिक्रिक एसिड को फिनॉल से कैसे प्राप्त करेंगे। तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, आप फिनॉल ले लो, फिनॉल का आप करा दोगे क्या नाइट्रेशन, तो नाइट्रेटिंग एजेंट क्या क्या है, HNO3 और H2SO4। तो आपको क्या करना है, OH, NO2, दिस इज पिक्रिक एसिड, दिस इज पिक्रिक एसिड। ठीक है, दूसरा अगर कह दे टॉलविन को कन्वर्ट करना है बेंजल डिहाइड, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कि भैया टॉलविन ले लो, अरे बेंजीन पे CH3, और यहां पर ले लो CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाई सल्फाइड। ठीक है, इस रिएक्शन को मैंने क्लास में बताया था, क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन। तो आंख बंद करके आपको एक मिनट CH3 को किसमें कन्वर्ट कर देना है, CHO। यहां बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां कम मेहनत में ज्यादा नंबर प्राप्त करना है। ठीक है, मजदूर की तरह मेहनत नहीं करना है, राजा की तरह मेहनत करना है। तीसरा बोल दे ब्यूटेनॉल को ब्यूटेनॉल 2 कर लो, या ब्यूटेनॉल 1 को कन्वर्ट करना है ब्यूटेनोइक एसिड में। बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना भैया, ले लो भैया CH3 CH2 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 OH अल्कोहल है भैया, इसका आप क्या कराओगे, ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, तो जितने कार्बन का है उतने कार्बन का हम क्या बना देंगे, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो एल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, ओइक एसिड। तो CH3 CH2 CH2 COH, तो दिस इज द ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल क्या आ सकता है, एथेनॉल, या कई बार पूछा है एथेनॉल को कन्वर्ट करिए ब्यूटाइन में, एथेनॉल को कन्वर्ट करिए ब्यूटाइन में। ठीक है, या ब्यूटाइन 2 मान लो ट्रिपल बॉन्ड वाले में। ठीक है, एथेनॉल आप ले लो CH3 CH2 OH, कोई दिक्कत, इसका रिएक्शन करा दो NaBr, तो यहां से क्या निकल जाएगा NaOH, तो क्या बन गया CH3 CH2 Br, एथिल ब्रोमाइड बन गया। फिर आप इसका रिएक्शन करा दो सोडियम एसिटिलाइड, क्या फार्मूला होता है, HC ट्रिपल बॉन्ड CNA, फर्स्ट ईयर में मैंने पढ़ाया था, तो यहां से क्या निकल जाएगा NaBr, क्या निकल गया NaBr। अब जोड़ दो इसको, यहां से स्टार्ट करो CH3 CH2 ट्रिपल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड एक मिनट सी, और यहां से जाएगा सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड CH, 1 2 3 4, इसको क्या बोलेंगे ब्यूटाइन 2। समझ में आ रहा है, तो फिनॉल को मैंने कन्वर्ट किया पिक्रिक एसिड में, कई बार पूछा हुआ है, टॉलविन को मैंने बेंजल डिहाइड में कन्वर्ट किया इटार्ड रिएक्शन से, पूरा क्लियर।
ब्यूटेनॉल वन को ब्यूटेनोइक एसिड में रिएक्शन सिंपल एग्जांपल है। एथेनॉल को मैंने कन्वर्ट किया ब्यूटाइन टू में, ठीक है जल्दी छापो बढ़ा जाए, दो चार और करवा दे। अब ध्यान दो, पांचवा टॉलविन को कन्वर्ट करना है बेंजिल एल्कोहल में, किसमें बेंजिल एल्कोहल में, यह भी सवाल कई बार पूछा है। तो टॉलविन का आप जान ही रहे हो CH3 होता है, इसका रिएक्शन करा दो Br2 से, ठीक है नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा मोबाइल साइज से कहीं हो पाए Br2 से, तो यहां से H और यहां से एक Br क्या निकल गया HBr निकल गया भैया, यहां पर क्या बन जाएगा CH2Br, ठीक है बेंजिल ब्रोमाइड। अब यहां पर AgOH करा दो मॉइस्ट, यहां से क्या निकल जाएगा AgBr निकल जाएगा और यहां पर क्या जुड़ जाएगा CH2OH, तो दिस इज द बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल, ठीक है जल्दी स्क्रीनशॉट लो या छाप लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला बढ़े, जितना करवा रहे ना यूट्यूब पे उतना ही पढ़ लोगे तो मैक्सिमम सवाल आपका इंटर कन्वर्जन का फंस जाएगा। आई थिंक पांच छठवां देखते हैं, छठवां भी पूछ सकता है बेंजीन को बाइफेनिल में कन्वर्ट करिए, बेंजीन को कन्वर्ट करना है किसमें बाइफेनिल में, समझ में आ रहा है। तो बेंजीन ले लो, बेंजीन का करा दो हैलोजिनेशन FeCl3, तो यहां पे Cl जुड़ जाएगा भैया, क्लोरोबेंजीन हुआ, एक मॉलिक्यूल और ले लो क्लोरोबेंजीन, अब प्लस बुड्स रिएक्शन करा दो यहां पर 2N ने का निकल गया NaCl, किसमें हो गया बाइफेनिल में, क्लियर हो रहा है। और ले लो ब्यूटीन वन को कन्वर्ट करिए Bu2-in में CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये किसका है या क्या है ब्यूटोनिन है या ब्यूटीन वन बोल सकते हैं, इसका आप HBr से रिएक्शन कराओगे, कुछ फरियारा है जी HBr से, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ रेंडम गोज ऑन डेट कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नेगेटिव पार्ट गोज ऑन डेट कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज द मार्कोनिक ऑफ रूल, डिस्कशन क्लास में हुआ है। और जोड़ते हैं CH3 CH2 CH Br CH3 हो गया। अब यहां पर करा दो इलिमिनेशन रिएक्शन एल्कोहलिक KOH, तो एक डबल बॉन्ड यहां बनेगा एक डबल बॉन्ड यहां बनेगा, आ रहा क्लियर। लेकिन सेडजेफ ने क्या कहा था, मोर सब्सिट्यूटेड एल्कीन जो होगा वह मेजर प्रोडक्ट होगा, तो यहां पर देख लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, दिस वन इज द Bu2-in, Bu1-in को Bu2-in में कन्वर्ट किया गया, ठीक है हो रहा क्लियर। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो काफी एग्जाम में आते हैं, तो आज सीरीज में इतना ही ज्यादा देंगे तो याद करना भी मुश्किल हो जाएगा, तीसरा सीरीज कल पक्का बनाऊंगा, ठीक है। शेयर सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट, सबका हेल्प करो, ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।